तो अभी जस्ट मैं औरंगाबाद के स्टेशन पर आ चुका हूँ एंड जो ठंड बज रही ना भाई साहब, और ऐसे अगर ठंड में गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। शुरुआत से शुरू करते हैं और आज फिर एक यूनिक टॉपिक को कवर करते हैं। तो अभी हमारा औरंगाबाद को छोड़कर जाने का वक्त आ चुका है। उसके पीछे का क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। तो उसका रीज़न कुछ ऐसा है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बोला था ना मुझे जॉब लग चुकी है, तो उसी जॉब के चक्कर में मुझे अभी मुंबई शिफ्ट होना है। एंड जो लोग जॉब करते उन लोगों को तो पता ही होगा, जब हमें नया नया जॉब लगता है ना तो उसके लिए फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल शूज़ वो सब लेना भी ज़रूरी होता है। तो अभी उसी चक्कर में मुझे मॉल जाना है, क्लोथ्स वगैरह बाय करने हैं, शूज़ बाय करने हैं। आज बहुत दिनों बाद शॉपिंग की है इतनी सारी, एंड मैंने मॉल से फॉर्मल क्लोथ तो ले लिए बट अभी मुझे शूज़ चाहिए, एंड मुझे मॉल में इतने ज़्यादा अच्छे शूज़ नहीं दिखे। तो इसलिए अभी मैं आया हूँ औरंगाबाद के मार्केट में, लोकल मार्केट जो कि आपको भी पता होगा, पैठन गेट। तो यहाँ पर ना आपको एक से एक शूज़ मिल जाएंगे, अभी मुझे पता है क्योंकि मैं पहले यहाँ से ही बहुत सारे क्लोथ एंड शूज़ वगैरह लेता था बट अभी मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर मिलता है हमें अच्छा सा फॉर्मल शूज़, एंड प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। फॉर्मल शूज चाहिए भाई, आपके लिए सिटी में आने का यही फ़ायदा होता है। अभी आप लोग देख सकते हो 5 मिनट में मैंने शूज़ ले लिए, मतलब जो शूज़ मुझे चाहिए था वो मिल भी चुका है। एंड यही अगर मैं मॉल से लेता ना तो थोड़ा महंगा भी मिलता। आप लोग देख सकते हो अभी ये 2 बैग है और मेरे बैग में भी बहुत ज़्यादा सामान है, मतलब आज इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। एंड इसमें से ना बहुत सारी चीज़ें मेरे पसंद की है ही नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग में कैसा होता था हम कुछ भी पहन सकते थे, बट अभी फॉर्मल है क्योंकि जॉब लग चुकी है तो उनके हिसाब से सब रहना पड़ता है। अभी मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 9 बजे, क्योंकि हमारी ट्रेन कल सुबह 9 बजे औरंगाबाद के स्टेशन से ही है मुंबई के लिए। तो फिर मैं आपको सुबह मिलता हूँ। Day 2. अभी जस्ट मैं औरंगाबाद के स्टेशन पर आ चुका हूँ एंड जो ठंड बज रही ना भाई साहब, और ऐसे अगर ठंड में गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। एंड आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ और एक बंदा है, मतलब आज तक मैं उससे मिला नहीं बट हम दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं। तो अभी हम मिलने वाले हैं, मैं उससे भी आपको मिलाता हूँ। आज घर में ना एक अलग ही माहौल था, मतलब थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि आप घर वालों से दूर रहना है ना। एंड जिस जगह पर हम जाने वाले हैं वो नवी मुंबई है गाइस, मतलब प्रॉपर मुंबई नहीं, नवी मुंबई साइड है। वहाँ पर कैसे रहना, मतलब अभी तक हमारा रूम भी फिक्स नहीं है, हम अभी पीजी में ही रहने वाले हैं। तो जो लोग मुंबई पढ़ने आना चाहते या फिर कुछ करने आना चाहते, जैसे एक्टिंग के लिए आते हैं कोई लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार मुंबई में रहना कैसा है, मतलब नवी मुंबई साइड वहाँ पर पीजीज कैसे है और कैसी लाइफ चलती है एक कंपनी में काम करने वाले बंदे की, जो कि एक यूट्यूबर भी है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिस बंदे को फुल टाइम ट्रैवलर बनना था आज वो फुल टाइम जॉब करने वाला है।
मोड़ ले, बोलिया पानी मोड़ ले। तो अभी जस्ट हम थाने उतरे एंड मैंने सबसे पहले जाकर लोकल का टिकट लिया बिकॉज यहाँ से हमें अभी बेलापुर जाना है। एंड मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, जो मेरे साथ कंपनी में काम करता है और एक बंदा जो कि औरंगाबाद से ही है, तो उसका नाम है नवाज। तो ये भी आपको आने वाली वीडियोस में दिखेगा अभी, क्योंकि हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। आ चुके इतनी ज़्यादा गड़बड़ होने के बाद, एंड आप लोग देख सकते हो हमारे साथ बहुत ज़्यादा लगेज भी है। तो इतना सब लगेज लेकर अभी हमें पीजी सर्च करना है या फिर फ्लैट भी देखना है, तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा हिक्टिक होने वाला है। एंड नवाज़ तो पहले ही थक चुका है बिकॉज़ ये बहुत दिनों बाद मुंबई आया है। अब मेरा तो मैं ट्रैवल वगैरह करते रहता हूँ, बट ये भाई अभी बहुत 2 साल बाद आया ना तू। ऑफकोर्स, तो अभी जाते हैं यहाँ से बाहर जाते हैं, पीजी वगैरह का देखते हैं। एंड आपको ना अभी आगे वाले वीडियोस जो आने वाले उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारे पास अभी कंटेंट भी बढ़ जाएगा। तो अभी फटाफट बाहर जाते हैं एंड देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। देख सकते हो ये बेलापुर का स्टेशन है, कितना बड़ा स्टेशन है। तो अभी हम लोग ऑटो पकड़ के जा रहे हैं बिकॉज लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, पीजी हमने सर्च किया गूगल पे। तो अभी वहां पर जाते देखते हैं रूम वगैरह कैसा है। तो ऐसे कुछ रूम मिले, आप लोग देख सकते हो 200 रुपीज़ पर बेड पीजी का ये सिस्टम रहता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है बट अभी कुछ कर भी नहीं सकते ना। एंड हमें एक साथ में बालकनी भी मिला है। यहाँ पे रहना ना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है पहले थोड़े दिन तो, बिकॉज अभी पीजी किया है एंड पीजी में ऐसा हाल है, मतलब कॉमन वॉशरूम, कॉमन बाथरूम, वो सब सीन रहता है। अभी वो क्या ही बताऊँ मैं आपको, बट एक बताना चाहता हूँ बिकॉज अगर आप में से कोई यहाँ पर आता है तो आप लोगों को भी पता रहना चाहिए कि यहाँ पर कैसा सीन है। तो गाइज़ आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगा जल्दी मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।